और मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला आगे चलता रहे। सर आपने भी सर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी जिससे गिल्ड गेम्स हो गए, एचक्यू हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप कितना लगी मानते हैं सर? बहुत ही, और आने भी कई सारी फिल्में आ रही है मेरी, एक और है September 1st नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, वंस अगेन करके एक है, लव स्टोरी है ये, रोमांटिक स्टोरी है, तो ये काफ़ी जॉनर्स मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है इस साल और पिछले साल खासकर। ओके लास्टली सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? ये तो सबसे बढ़िया है, 7 जुलाई को 7 सितंबर को रिलीज हो रही है गली गुलियां आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, अब परिवार के साथ जरूर जाएगी। हो गया जी, रोलिंग रोलिंग। जी गली गुलियां का ट्रेलर हमने जब से लॉन्च किया है और बहुत सारे स्टार्स से भी जो हमारे दोस्त थे उनको भी हमने ट्रेलर दिखाया था, उनको भी बहुत अच्छा लगा था, एंड दे वॉलेंटरली यू नो दे काइंड ऑफ अग्री टू लॉन्च द ट्रेलर एंड द पोस्टर। सिंस दैट टाइम यू नो इट इज़ बीन बजिंग, सिंस दैट टाइम आई सी सो मेनी रिस्पॉन्सिस कमिंग इन फॉर गली गुलिया एंड ऑल पॉजिटिव। It has been garnering a lot of support and a lot of excitement among the viewers, and it is only increasing. So that's a great feeling, because it's a film which is not a very mainstream conventional film. It is a film which is very internal, at the same time quite engaging. It is a film that has gone to more than 25 international film festival, won many accolades for itself, and now it's releasing here and we see so much of welcome. So yeah, it's quite overwhelming for us. Okay sir, agar aapke kirdaar ki baat kiye sir, humne dekha aap bhi kafi bacche ko maar rahe hain, peed rahe hain, uske bare mein se bataiye aapko kis tarah ke compliments aur comments hain? अरे नहीं यार, पीटने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, किसी बच्चे को लेकिन हाँ, अभी तो ट्रेलर से तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक लोग फिल्म को ना देखें थिएटर्स में आकर, लेकिन हाँ ट्रेलर से तो काफ़ी कुछ पता भी चलता है आपको, ट्रेलर के माध्यम से एटलीस्ट यू गेट अ पीप इनटू द वास्टनेस ऑफ द फिल्म एंड द ट्रेलर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक इट इज डन व्हाट इट वाज डेस्टिन्ड टू डू। मेरे किरदार का नाम लियाकत है और वो इस एक छोटे से बच्चे की का बाप है वो, और उसका एक अपना परिवार है, उसकी बीवी है और ये बेटा है उसका, जिस पर वो काफ़ी मतलब उसे पीटता है, उस पर काफ़ी वायलेंट है वो, उस पर हावी हो जाता है वो, तो ये है, वायलेंस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस कैरेक्टर, इसीलिए ये काम इस किरदार को सौंपा गया है। और ये जो क्रिएट करता रहता है लगातार, आपको यहाँ पर ये नहीं लगता है कि ये एक विलन है, कहीं ना कहीं आप इससे एम्पथाइज करते हैं, आपको लगता है कि नहीं इसकी अपनी निजी ज़िंदगी भी है और किस वजह से ये वायलेंट हो रहा है या क्या कर रहा है, इस ये आप सोचना शुरू करते हैं इसको देखकर कि ये वायलेंस के जो कारण क्या होते हैं, क्यों एक इंसान इतना वायलेंट हो जाता है और इसके जो प्रभाव होते हैं किसी बच्चे पर, ये क्या होता है यह प्रभाव। ओके सर, हर बार सर हम आपको देखते हैं कि आप हर फिल्म में बच्चों को परेशान करते हैं, जिस तरीके से हिचकी हो गई, बच्चों को भी आपने वो तो सिर्फ सीक्रेट गेम में इन्होंने बड़ों को परेशान, नवाज को परेशान किया, वो भी बच्चा ही है। नहीं कहानी ऐसे कुछ नहीं, ऐसे किरदार आते हैं तो हम करते हैं, और हिचकी में हम बच्चों को नहीं परफॉर्म, किसी को परेशान नहीं कर रहे, ये किरदार होता है तो जैसे जैसे, और हाँ है एक आध फिल्में ऐसी हैं जो बच्चों के साथ है, और हालांकि मैं बच्चों के साथ खुद बहुत काम करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ, कई कुछ 19-20 साल तो हो गए मुझे इनके साथ काम करते हुए, तो हाँ। ओके सर, आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। इसका नाम खुदूस है, खुदूस है जो अपने अपने पुरानी सी घर में रहता है, जो घर टूटी फूटी इमारत है उसके अंधेरे में रहता है, वहाँ पर CCTV कैमराज के मॉनिटर लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के घरों में CCTV कैमराज लगा देता है, इलेक्ट्रिशियन है,
उसका टाइम पास यही है कि लोगों के घरों में झांकना, ये देखना है कि किसकी ज़िंदगी किससे अच्छी है या बुरी है, या किसकी बाकियों की ज़िंदगी मेरी उसकी ज़िंदगी से अच्छी है बुरी है, उसके ज़िंदगी में कुछ एक घटनाएँ ऐसी घटी है जहाँ पर उसके लिए कोई रिश्ते माने नहीं रखते, जहाँ पर वो बाहरी दुनिया में नहीं जाना चाहता, जब जब उसने कोशिश की हमेशा फ़ेल हुआ है, वो एक भटका हुआ आदमी है, एक ऐसा आदमी जो दिमागी रूप से कम्प्लीटली बंद है, फंसा हुआ है अपने ही दिमाग के गुफा में, जो है कैद है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, और धीरे धीरे वो कैसे यथार्थ से अपना संपर्क खोता जाता है, ये उस तरह का कैरेक्टर है। देखिए सत्यमेव जयते के तरीके के जो रोल होते हैं मेन स्ट्रीम में, वहाँ पर डायरेक्टर ही नहीं चाहता है कि हम किरदार के अंदर जाएं, वो कहता है कि भाई आप सिर्फ आइए और हम आपको लाइन देंगे, बताएंगे कैसे करना है, आप कीजिए और चले जाइए। उनका उनकी नीड है, क्योंकि वो एक ख़ास तरीके की गैलरी प्ले करते हैं, एक खास तरीके के इमोशन इवोक करना चाहते हैं ऑडियंस के अंदर में। लेकिन जब गली गुलियां की तरह की फिल्म आती है तो उसकी डिमांड बहुत बड़ी होती है, उस डिमांड को फुलफिल करने में आपकी जान निकल जाती है। आप शूटिंग शुरू होने के 1.5 महीने पहले से लेकर शूटिंग ख़त्म होने तक आपके दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, आपको समझ नहीं आता कि ये यात्रा कहाँ ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी। कई बार आप उससे इन्जॉय करते हैं, कई बार उससे आप सफ़र भी करते हैं। आपको मैं सच में बताऊं, 28वें दिन मैंने दीपेश को कहा था कि प्लीज़ यार क्या हो, ये हो सकता है कि हम 2-3 दिन का काम जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्रेकडाउन हो सकता है मेरा। तो आदमी उस स्थिति तक भी जाता है जहाँ पर एक्सीलेंस को पाने के लिए, सही तरीका खोजने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को, अपने शारीरिक स्थिति को दांव पे लगाता है। लेकिन ये कराता कौन है? वो स्क्रिप्ट कराती है, वो कहानी कराती है, वो किरदार कराता है, वो उससे आप एक्साइटेड होते हैं, उससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, वही आपको पुश करता है वहाँ तक। सर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल। कितना जुड़ गए सर कहानी के साथ? जी, तो ये जो किरदार है, जब आप वायलेंस की बात कर रहे हैं और ख़ासकर बच्चे पर, तो इसका भी अपना एक जर्नी रहा। इसकी तैयारी, इससे पहले शूट से पहले की तैयारी, शूट के दौरान जो मैं महसूस कर रहा था, और शूट के बाद भी जो असर ये कर गई मेरे ऊपर, तो इस पर इसके साथ रहना कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, ये मुश्किल था। लेकिन ये हमारा काम है, ये हमारा पेशा है। जैसे एक सर्जन का काम होता है शरीर का काट वाट, उसे काट कर चीर कर जो भी है वो उसका काम होता है, खून को देखना, वो उसे कतरा नहीं सकता। इसी तरह से एक एक्टर भी नहीं कतरा सकता। ये हमारा काम होता, हम इसमें जाते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन इसके जो असर होते हैं ये थोड़ा कभी कभी काफ़ी भारी पड़ता है। ओके सर, सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या रिएक्शन था आपने जब ये कहानी के बारे में पहली बार जब आपके पास में स्क्रिप्ट आई और आपको ये कहानी बताई गई कि हम इस तरीके की कहानी बनाते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, जब मेल पे मुझे कहानी मिली और जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले मैंने इनको कहा कि आप पहले से जब भी आ सकते हैं आइए, हम लोग बात करते हैं। हमने बातें की क्योंकि मैं करना चाहता था, मुझे इस तरह की कॉम्प्लेक्स और इस तरह की बनावट स्क्रिप्ट की मुझे हाल फिलहाल में मिली नहीं थी, ना कभी भी नहीं मिली थी। और मैं चाहता था कि मैं इसमें हाथ आजमाऊँ, मैं चाहता था कि ये फिल्म मेरी फिल्मोग्राफी का एक हिस्सा बने और इस फिल्म को मैं पूरे जी जान से करूँ, क्योंकि कहीं ये फिल्म मुझे उस तरीके से चुनौती दे रही थी, वो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर रही थी कि मैं जानता था कि अगर मैं इसको कर पाया तो ये अपने आप में एक मेरे लिए अचीवमेंट होगा। तो जब भी आपको इस तरह की चुनौतियाँ मिलती हैं, जब भी आपको इस तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं किसी स्क्रिप्ट में, तो आप उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर आपका क्या रिएक्शन था आपका किरदार सुनने के बाद? जी, आपका क्या रिएक्शन था आपका किरदार सुनने के बाद? किरदार सुनने के बारे में हाँ जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट को देखने के बाद दीपेश से मिला मैं, फिर किरदार पर हमने डिस्कशंस किए, और उसके बाद जो रहा ये मैं कर चुका हूँ पहले भी, जैसे कि अगर आप विलन के रोल पे आप देखें, लेकिन वो विलन का रोल नहीं है, ये एक खास रोल था जिसमें मुझे वायलेंस क्रिएट करना था और उसके साथ साथ ये भी कहना था ऑडियंस से कि मैं विलन नहीं हूँ, तो वो एम्पथाइज करे मेरे साथ। ये नहीं कि अगर मैं मुझे कुछ हो जाए फिल्म में
तो बजाय इसके कि हाँ अच्छा हुआ कि इसे इस किरदार पे ये हो गया, वो एम्पथाइज करें, वो काम रहा हमारा। तो वो था उस स्क्रिप्ट में जब मैंने पढ़ा तो ये बात रही उस स्क्रिप्ट में। सर, रियल लाइफ में आप इस तरीके कोई किसी बच्चे से मिले हैं जिससे आपकी बात? जी, मैंने दिल्ली में बहुत काम किया है बच्चों के साथ में, जहाँ पर इसी तरह के बच्चे जो है उस संस्था में रहते हैं, क्योंकि वो संस्था जो है इन बच्चों को इकट्ठा करके उनके एजुकेशन पे, उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करती हैं। बहुत सारे संस्थाएं हैं दिल्ली में, उनके साथ बहुत काम किया है मैंने। और ज़्यादातर अमूमन ये सारे बच्चे, या जो जो भी जुबनाइल होम्स हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे, मैं बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूँ, इंटरेक्ट कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे वर्कशॉप के थ्रू जो है रिहैबिलिटेट भी हो चुके हैं। अभी कुछ साल पहले मैं एयरपोर्ट पर एक बच्चे से मिला जो मैप बेच रहा था, और जब मैं गाड़ी में बैठने वाला था तो उसने कहा, मनोज भाई आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा, तुम कौन है? वो बड़ा आदमी दिख रहा था, तो उसने कहा, भैया मैं आपके वर्कशॉप में था, और अब आपके वर्कशॉप के कारण मैंने जो है सड़क पे खड़ा होके पैसे मांगना बंद कर दिया, और ये मैं मैप बेचता हूँ। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। बच्चों के साथ तो मैं कई सालों से वर्कशॉप कर रहा हूँ, और स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ भी मैंने किया है काम, अर्बन सिटी के जो बच्चे हैं उनके साथ भी काम किया है। हाँ, ऐसे तो मिलते रहते हैं, हमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं, मिलते हैं। ओके सर, ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में शूटिंग हुई है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ यादें ताज़ा हुई आप तो है? नहीं, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे शूटिंग करने का मज़ा ही अलग है। लेकिन जिस तरह की ये शूटिंग थी, बड़ी डिफ़िकल्ट शूटिंग थी, वो दिमागी एक ऐसे आदमी के दिमाग से डील करना पड़ रहा था जो परेशान है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो ज़्यादातर दिमाग तो उसी पे लगा रहता था। लेकिन कभी कभी जो है मैं पुरानी दिल्ली, क्योंकि मैं जाना पहचाना एरिया है, तो वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं, तो वहाँ के खाने जो है वहाँ मैं मंगवाया करता था, चाहे वो बिरयानी हो या फिर उधर का मटन कोरमा हो या फिर दही भल्ले हो या जलेबियाँ हो या परौठे हो। पुरानी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ से हमें खाना खाने को मिल जाते थे। देखिए, जब कहानी अच्छी मिलती रहे, काम अच्छा मिलता रहे, और काम से में आप काम को आप इंजॉय करके करते रहें, एक एक्टर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। और जब भी वो उसके साथ ऐसा होता है तो एक्टर के लिए साल अच्छा माना जाता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया इस साल भी, और इस साल भी अच्छी अच्छी कुछ फिल्में आईं,